विशेष रूपले हामी अघिबाटै हामी एनडिएको मेम्बर हौँ। जस्तो 2019 हामी सरकारमा आउने बित्तिकै भारत सरकारमा केन्द्र सरकारमा भारतीय जनता पार्टीले सरकार गठन गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री महोदयकोबाट निम्तो आएपछि हामी एनडिएको मेम्बर भइसकेको छ अनि हामी नर्थ इस्ट डेभलपमेन्ट डेमोक्रेटिक एलायन्सको मेम्बर पनि हुने नेडाको मेम्बर पनि यसले गर्दाखेरि हामी राज्यमा बिजेपीसँग हामी मिलेर काम गर्छौँ। जुन प्रकारले आज भारत सरकारमा अनि भारतवर्षमा जुन प्रकारको भारतीय जनता पार्टी अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू देशको लागि काम गर्छ त्यसले गर्दा हामी अब केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकार मिलेर हामी काम गर्छौँ। कामराङको जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि कति के भन्छ अब चुनावको मैदान आज मात्रै सुरु भयो, अब कतिको के गर्ने हो त्यो जनताको हातमा छ, किनभने यो प्रजातन्त्र हो। यसमा अब जो आज मैले आफ्नो नामाङ्कन गराए र विशेष रूपले इलेक्सन कमिसनको प्रोभिजन और भारतको संविधानको प्रोभिजन अन्तर्गत मेरो जो ब्यान था इलेक्सन खराब हुने वो लिफ्ट कर दिया इलेक्सन कमिसन, इसीलिए मैं आज खुला हो गया, इसलिए मैंने नोमिनेशन किया। और जो सवाल आज हम लोग कर रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एसकेएम के अलायंस जो है, हम लोग पहले से ही एनडीए का मेंबर है और नेडा का मेंबर है, इसलिए हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं राज्य में और केंद्र में भी। हमारा जो एमपी है हमारा एनडीए का मेंबर है और हम नॉर्थ ईस्ट में हमारा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर है, इसलिए हम लोग जितना भी सिक्किम का जितना भी मांगे हैं जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार का आशीर्वाद चाहिए, वहाँ का सहयोग चाहिए, इसलिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। स्टैंड कायम छ र जुन दिन म सिक्किम विधानसभामा पुग्छु इलेक्टेड मेम्बर भएर म बस्छु, त्यस्तै प्रकारले मेरो परिवारको एक सदस्य छ, मेरो आफ्नो छोरा छ सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रबाट, अनि त्यस्तै प्रकारले उहाँलाई म रिजर्भेसन गर्नु लगाएर जुन प्रकारले मैले कुन उम्मेदवारलाई मैले न्याय दिनुपर्ने त्यो उम्मेदवारलाई म सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रबाट न्याय दिन्छु। सर वन मैन और वन पोस्ट के लिए सर ये आपने हमारा कायम है क्योंकि हम लोग जब अभी तो मैं इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ, इसीलिए मेरा बेटा है अभी एमएलए, तो जिस दिन मैं पूर्ण रूप से लीगली एमएलए बनके मैं वैसे कि विधानसभा में जाऊंगा तो उसी दिन मेरा बेटा ने रिजाइन करेगा। और जो वन मैन वन पोस्ट का है, जो मैं अभी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं सिक्किम का मुख्यमंत्री भी हूँ, इसलिए हम लोग का पार्टी ने तय किया है कि कोई भी आदमी एक ही पोस्ट में बैठेंगे, मुख्यमंत्री और ये और हम लोग जैसा ये बाय इलेक्सन खत्म होने के बाद हम लोग अपना पार्टी का प्रेसिडेंट का चयन करेंगे। यो बार्गेनिङ होइन, किनभने यो हाम्रो एउटा हामी दोस्ती हो, किनभने हामी बिजेपी अनि एसकेएम भनेको हामी नेडाको मेम्बर पनि हो, एनडिएको मेम्बर, कुनै कसैले पनि यहाँ बार्गेनिङ गरेको छैन, किनभने हामीलाई सिक्किमको जति पनि विकासको लागि डेभलपमेन्टको लागि अनि जति पनि हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्डको लागि हामी केन्द्र सरकारको सहयोग सहयोगार्थ है सहयोगको लागि हामी उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ, यो कुनै प्रकारको बार्गेनिङ भएको छैन।